मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दोस्तों फिटर फाइटर चैनल से आपका भाई इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा कि जो हमारा भेल भोपाल अप्रेंटिस की वैकेंसी है, उस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी उसमें हमें फॉर्म भरने के बाद कैसे हमारी मेरिट में नाम आएगा और उसमें लिखित एग्जाम होगा या नहीं होगा, या उसमें हमें पेपर कहाँ जमा करने पड़ेंगे और उस पेपर के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे क्या होगा। ये सभी सवाल आप सभी स्टूडेंट हैं जो अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भर रहे हैं, सभी के मन में ये सवाल होगा कि भाई इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो उसी सिलेक्शन प्रोसेस को मैं इतने सरल तरीके से आप सभी को बताऊंगा कि आपको एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम सेशन की शुरुआत करते हैं, आप सभी ध्यान से पूरा वीडियो देखें और समझें। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है। दूसरे वीडियो में मैंने बनाया कि आप फॉर्म कैसे अप्लाई करें। यदि आपको थोड़ा बहुत मोबाइल आता है तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, अंतर रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप साइबर कैफे में जाकर के कंप्यूटर वाले से भरवा सकते हैं। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपने फॉर्म को भर दिया। अब फॉर्म भरने के लिए आपने कहीं से भी भरा, कैसे भी भरा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बता देते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हमारे बीएचएल भोपाल की तीन साइडें हैं। तीन साइडें हैं। पहली साइड है http://bpl.bhel। तो आप इस साइट पर जाकर के आप होम पेज को, बीएचएल के होम पेज को खोल सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस होम पेज पर जाकर के हम अप्रेंटिस के अपडेट को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी होम पेज साइड है। एक होम पेज साइड और है, बीपीएल वेब न्यू, ये दूसरे नंबर की साइट दी गई है। इस साइट पर भी जाकर के हम अपडेट चेक कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें जो है, इसमें 7 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे और 20-12 तक हमारे फॉर्म भरना आधी रात तक बंद हो जाएंगे। यानी हमें 7 तारीख से लेके 20 तारीख तक अपने फॉर्म को क्या करना है, भरना है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी हमने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद हमें क्या करना है, तो फॉर्म भरने के बाद हम आपको बता देते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी क्या है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर आप दिख रहा है, देखिए इसमें इलेक्ट्रीशियन की 30 वैकेंसी है, फिटर की 30 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 20 वैकेंसी है, वेल्डर की 20 वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी में कितने कितने बच्चों को लिया जाएगा, या मेरिट से लिया जाएगा, टेस्ट बेस से लिया जाएगा, तो ये मैं बता देता हूं। एक चीज इसमें देखिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। पहले आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने तक हम पहुंच गए। अब फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, फॉर्म भरने के बाद आपके सारे फॉर्म जो होंगे आपको ऑनलाइन बेस से ही आपकी जो डिटेल पहुंच जाएगी। आपको इसमें फॉर्म की कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको एक भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। ये पिछले साल का था, 2021 का था। उसमें हमें जो फॉर्म भर रहे थे उसकी रिसिप्ट, 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र जो भी है भेजना पड़ रहा था। पिछले साल की बात है ये, 2021 की। लेकिन 2022 में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, ये चेंज हो गया है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात इसमें जो नंबर दिखाए गए हैं, इसमें नंबर जो बोला गया है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस जो जनरल वाले होते हैं उनके लिए ITI में यदि 60% या 60% से ऊपर है तो उनका जो लिखित एग्जाम होगा उसमें उनका नाम आएगा। यदि उनकी परसेंटेज 60% से कम है, कौन सी कैटेगरी, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, यदि इनकी 60% से कम है तो इनको लिखित एग्जाम में नहीं बुलाया जाएगा। और यदि वो आते हैं जो उम्मीदवार हैं SC ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में यदि आते हैं वो, तो उनकी परसेंटेज ITI में यदि 55% या 55% से ऊपर है तो उनको लिखित एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जो स्क्रीन पर मैं ये डिस्प्ले में दिखा रहा हूं, ये डिस्प्ले जो है, ये डिस्प्ले मैंने BHEL की जो PDF है, जो नोटिफिकेशन है, उसी से मैंने इसको उठाया है। तो ये मैंने आपको बात बता दी कि किसका लिखित एग्जाम में नाम आएगा। अब एक फैक्ट और है, ये तो मैंने परसेंटेज बेस से बताया है कि किसका नाम आएगा, किसका नाम नहीं आएगा, लेकिन एक फैक्ट और है वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखिए इसमें ये आरक्षण भी दिखाया गया है। आरक्षण कैसे दिखाया गया, जैसे मान लीजिए टोटल अपनी 100 सीट है जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, टोटल 100 सीट है, तो इसमें अनुसूचित जाति का 15% है। 15% मतलब 100 में से 15 सीट अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति जो होती है उसकी 20% सीट आरक्षित है, तो 100 में से 20 सीट उनकी हो गई।
जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है, जो नॉन क्रिमिलियर होते हैं, जिनकी आय कम होती है, यानी पिछड़ा वर्ग में भी दो कैटेगरी होती है ओबीसी में, एक होती है क्रिमिलियर, एक होती है नॉन क्रिमिलियर। जो क्रिमिलियर होती है वो होते हैं बड़े व्यक्ति, जो ओबीसी में पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, उनको जनरल फाइटिंग करना पड़ती है, और जो गरीब होते हैं जिनकी लाख जो 8 लाख से कम होती है, जिनकी आय, जिनके पास कम पैसा होता है, उनका एक सर्टिफिकेट बनता है नॉन क्रिमिलियर का, पिछड़ा वर्ग का। तो उनकी जो परसेंटेज है वो 15% उनकी जगह है, 100 में से 15 जगह उनकी है। और जो हमारी जनरल के लिए है वो 40% है, यानी 100 में से 40 जगह जनरल है, यानी उसमें कोई आरक्षण नहीं है, अनारक्षित है वो। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको मालूम है कि जो जनरल वाले गरीब लोग हैं उनके लिए 10% जो है जगह आरक्षित है, तो 10% यानी 100 में से 10 जगह उसकी है। और जो 40% हमारा अनारक्षित है उसमें से हमारा जो 4% है, 4% उसमें विकलांग के लिए है, जो डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तो 4 वैकेंसी इसमें किसकी है, वो विकलांग के लिए। अब मैं इसमें एक बात और बता देता हूं, आयु में छूट भी दी जाती है हमारी कैटेगरी के आधार पर। तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट है, यानी 27 में 5 जोड़ देंगे तो 32 साल तक वो फॉर्म भर सकती है। अनुसूचित जनजाति की 5 वर्ष की छूट है, उसमें भी वो 27 साल लास्ट एज होती है, उसमें 5 वर्ष की प्लस करके 32 साल तक वो फॉर्म भर सकती है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो मैंने अभी बोला, जो गरीब पिछड़े वर्ग के होते हैं, गरीब ओबीसी होते हैं, उसमें 3 वर्ष की छूट है, यानी 27 से 3 वर्ष प्लस करके 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो हमारे अनारक्षित है उसमें कोई छूट नहीं है, 27 साल तक फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि जो बड़ा व्यक्ति है, बड़ा आदमी है और जनरल कैटेगरी में आता है, उसकी लास्ट एज 27 साल होगी। और जो विकलांग है उनके लिए 10 साल की छूट दी गई है, यानी वो 27 और 10 37 37 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आयु में छूट दी गई है। अब जो मेन पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम पहुंचने वाले हैं जिसका हमें इंतजार था, वो पॉइंट हमारा ये है। देखिए, आपको डिस्प्ले पर सामने दिख रहा होगा कि इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है बीएचईएल ने, भोपाल ने या अन अदर यूनिट ने जो चेंज किया है, वो ये चेंज किया है कि इसमें जो लिखित एग्जाम होगा वो सभी बच्चों का नहीं होगा। लिखित एग्जाम जो होगा वो होगा 1:10 के रेशियो में बच्चों को लिया जाएगा, जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। अब 1:10 का रेशियो क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको वैकेंसी बताई थी कि फिटर की 30 वैकेंसी है, 30 वैकेंसी का मतलब देखिए मैं दिखा देता हूं, फिटर की 30 वैकेंसी है, ऊपर अभी मैंने दिखाया था, ये फिटर की 30 वैकेंसी है, तो 30 वैकेंसी में हम 10 गुना ज्यादा लेंगे, यानी लिखित एग्जाम के लिए फिटर की 30 वैकेंसी है तो हम उसमें 10 गुना बच्चे ज्यादा लेंगे बीएचएल वाले, यानी 30 के 10 गुना कितने होगा, 300। अब 300 बच्चों को लिया जाएगा। अब 300 बच्चों को कैसे लिया जाएगा भाई, किसको हटाया जाए, किसको लिया जाए, तो इसमें जो हमारे फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें आईटीआई की परसेंटेज लिखी जा रही है, तो उस आईटीआई के परसेंटेज के आधार पर उसमें ऊपर की जो मेरिट लिस्ट हमारी होगी, यानी उन लोगों ने, सारे बच्चों ने फॉर्म भरे, उसी की आईटीआई की जो मेरिट बनाई जाएगी, आईटीआई के नंबर की मेरिट बनाई जाएगी। मान लीजिए 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा, तो 1000 बच्चों में से जो 300 बच्चों को उन्हें कॉल करना है काय के लिए, एग्जाम के लिए, क्यों, क्योंकि 30 वैकेंसी पर उन्हें 300 बच्चे लेना है। इसीलिए यदि आपकी आईटीआई में परसेंटेज अच्छी है तो आपका लिखित एग्जाम में नाम आएगा, और यदि आपकी आईटीआई में परसेंटेज कम है तो लिखित एग्जाम में नाम आने का थोड़ा सा चांस कम रहेगा। यानी कि ये पूरा इसमें स्पष्ट लिख के दिया है बीएचएल ने कि इसमें जो जो हम लिखित परीक्षा में कॉल करेंगे वो 1:10 के अनुपात में बच्चों को छांट कर करेंगे, सभी बच्चों को एग्जाम देने की अनुमति नहीं होगी। अब आप कहोगे भाई ये कैसे हमें पता चलेगा कि एग्जाम का किसमें नाम आया किसमें नहीं आया, तो अभी मैंने सबसे पहले बताया था कि बीएचएल भोपाल की जो साइट है bpl.bhopal.com, उस पर लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी। आपका जो आपने जो अप्लाई किया था उसमें जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बना था उससे हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा लिखित एग्जाम में हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और बीच बीच में जो अपडेट होता रहेगा वो मैं आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। इसलिए यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत काम का चैनल है, आप पर पूरी चीजें हम बताते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कहां तक पहुंच गए हैं, हमने बता दिया कि लिखित एग्जाम में 1:10 के अनुपात में बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी 30 वैकेंसी है तो 300 बच्चों को कॉल किया जाएगा लिखित एग्जाम के लिए, और यदि अब 20 वैकेंसी है तो 20 के 200 बच्चों को कॉल किया जाएगा लिखित एग्जाम पर, और ये आईटीआई की परसेंटेज के आधार पर वो मेरिट बना करके बच्चों को
कॉल करेंगे, वो कॉल कहां पर मिलेगी हमें, वो मिलेगी BHEL की होम पेज साइट पर नौकरी एवं करियर के ऑप्शन पर जाकर के, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अब जिसका लिखित एग्जाम में यानी कॉल आ गया है, आप लोगों ने चेक कर लिया BHEL की होम पेज साइट पर जाकर के, तो उनको क्या करना है। अब आप लोगों ने जो पेपर थे वो तो BHEL को सेंड नहीं किए, तो वो पेपर आपको अपने साथ सेल्फ टेस्ट करके अपने साथ ले जाना पड़ेंगे एग्जाम सेंटर पर। यदि एग्जाम सेंटर वो पेपर नहीं ले जाओगे तो BHEL ने लिखा है कि आपको एग्जाम देने के लिए एंट्री नहीं दी जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपको कौन कौन से पेपर ले जाने हैं एग्जाम सेंटर पर, तो मैं आपको बता देता हूं, स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर आपको ले जाना है जो आपने BHEL के लिए अप्लाई किया था, तो अप्लाई करने पर एक प्रिंटआउट निकलता है जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, वो प्रिंटआउट बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप। तो पहले नंबर पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप हो गई। दूसरे नंबर पे जो मैंने NAPS पर रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन नंबर एक मिला था, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रिंटआउट आप निकाल लेना, तो उसके दूसरे नंबर पर रजिस्ट्रेशन की प्रिंटआउट आपकी चाहिए NAPS का रजिस्ट्रेशन नंबर का स्लिप। तीसरे नंबर पर दसवीं कक्षा की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, दो चीज होती है कक्षा दस में और कक्षा बारह में। कक्षा दस में एक होती है अंक सूची जिसमें अंक लिखे होते हैं, और दूसरा नंबर पे होता है प्रमाण पत्र। अभी कई लोग जानते नहीं होंगे कि भाई दसवीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र क्या होता है। MP में प्रमाण पत्र और जो अंक सूची होती है वो एक साथ रहता है, और उसके ऊपर लिखा होगा अंक सूची सह प्रमाण पत्र, तो यदि दोनों एक साथ लिखे हैं तो एक ही को ले जाना है। जैसे मैं अभी डिस्प्ले पे दिखा देता हूं, उसमें लिखा अंक सूची सह प्रमाण पत्र, तो दो नहीं रहेगा, एक ही में दोनों रहेंगे, अंक सूची भी रहेगी प्रमाण पत्र भी रहेगा, दोनों एक साथ रहते हैं। कई कॉलेजों में ऐसा रहता है कि दोनों अलग अलग रहते हैं, तो दो पेपर ले जाने पड़ेंगे, दोनों को सेल्फ अटेस्ट कर लेना। यदि आपने दसवीं के आगे भी और बड़ी पढ़ाई की है तो उसके भी आप सर्टिफिकेट ले जा सकते हो, मार्कशीट ले जा सकते हो, अन्यथा नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। इसके बाद ITI की मार्कशीट होती है, वो एक सर्टिफिकेट होता है, जो सर्टिफिकेट होता है उसको नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहते हैं, NTC होती है, नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, दो पेपर उसके ले जाने पड़ेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी हैं तो मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र आप ले जाना पड़ेगा, आधार कार्ड की आपको प्रति ले जाना पड़ेगी, यदि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, यदि आप जनरल के EWS से आते हैं तो आपको EWS का सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं आप OBC हैं और आप नॉन क्रिमिनलियर में आते हैं तो आपको नॉन क्रिमिनलियर का सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, अन्यथा आप नॉन क्रिमिनलियर नहीं है तो आपको कोई सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत नहीं है, आप जनरल में फाइट करेंगे। इसके बाद यदि आप विकलांग हैं तो आपको विकलांग का सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, और यदि आपका कोई पहले BHEL का एम्प्लॉय रहा और अभी BHEL का एम्प्लॉय है तो आपको उसको मेडिकल टोकन की फोटोकॉपी ले जाना पड़ेगी, क्योंकि BHEL में जो जिसके माता पिता होते हैं उनकी मेडिकल की बुक होती है, मेडिकल की टोकन की फोटोकॉपी आपको साथ में ले जाना सेल्फ अटेस्ट करते। तो मैंने ये 12 प्रकार के डॉक्यूमेंट बता दिए, ये चार जो जो आपके पास अवेलेबल है वो आपको साथ में ले जाना एग्जाम सेंटर पर। इस तरीके से एग्जाम होगा, और जो एग्जाम होगा फिर उसकी मेरिट बनाई जाएगी, तो एग्जाम में जिसके ज्यादा नंबर होंगे वही अप्रेंटिस में सेलेक्ट होगा। अब एग्जाम में नंबर कैसे आएंगे, तो एग्जाम में नंबर लाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम BHEL के एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अभी इसके बाद अपलोड करेंगे, क्योंकि आप लोग अभी फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरने में बिजी हो, जैसे आपके फॉर्म भर जाएंगे हम इसके क्वेश्चन अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। आप उन क्वेश्चन को पढ़िए, और आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आप जरूर 100% ये बिल्कुल पक्का है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपलोड करूंगा जो पिछले एग्जामों में आए हैं और आने वाले हैं, तो आप सिलेक्शन की टेंशन मत लीजिए, आप अभी फॉर्म भरिए फटाफट, और इसके बाद हमारे लगातार वीडियो देखिए, उसमें मैं जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनका डिटेल्स आपको समझाऊंगा, सब अपलोड करूंगा, आप वही क्वेश्चन पढ़ के जाना, पूरा पेपर में हो जाए। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो ये पूरी प्लानिंग मैंने बता दी कि जो हमारा एग्जाम होगा उसमें जो 300 बच्चे हमने लिए थे या 200 बच्चे हमने लिए थे लिखित के लिए, तो उसमें से जिन बच्चों के नंबर ज्यादा होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, जिन बच्चों के नंबर कम होंगे उन बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। अब इसमें एक दिक्कत हो जाती है कई बार कि दो बच्चों के नंबर यदि सेम होते हैं तो उनके आयु के आधार पर जो अधिक आयु वाला होता है उस बच्चे को लिया जाता है। यदि दोनों की आयु सेम पाई जाती है, मान लीजिए कि उनके लिखित एग्जाम में नंबर सेम आए और आयु सेम पाई जाती है, तो जो दसवीं की मार्कशीट होती है दसवीं की मार्कशीट के आधार पर उनका
जो सिलेक्शन है वो किया जाता है, दसवीं में जिसके ज्यादा होंगे उसी को सिलेक्ट किया जाता है। इसी तरीके से जो हमारे अभी मैं आईटीआई वालों का बता रहा था, अब मैं बता रहा ग्रेजुएट वालों का, ग्रेजुएट वालों का भी सेम यही प्रोसेस होगा जो आईटीआई वालों का है, इसीलिए दोनों सेम ही तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये इतनी चीज मैंने आपको बता दी, और यदि इसके अलावा भी कोई आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर डिस्प्ले पर दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप तैयारी करें, आगे बढ़ें, आप अपना अपने परिवार का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।